हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 6 में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको जनरल एंट्रीज कराना सिखाएंगे। तो इस जनरल एंट्री में कुछ नया भी देखने को मिलेगा आपको। इससे पहले हमने काफी वीडियो देख चुके हैं एंट्रीज बनाने की, इससे पहले हमने एंट्रियां भी आपको सिखाई है कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज चैप्टर 3 के पार्ट 6 में चलिए और एंट्री हम सीख लेते हैं कुछ नया। तो स्टूडेंट, ये वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित व्यवहारों को श्री राम मोहन के जनरल में दर्शाइए। सन 2010 यहाँ पर सन भी दे रखा है, जिसमें दे रखा है जनवरी 1, यानी कि 1 जनवरी नकदी से व्यापार प्रारंभ किया 20,000 रूपए। उसके बाद में दे रखा है 1 ही जनवरी को चालू खाते में जमा किए 6,000, यानी कि चालू खाता है करंट अकाउंट। फिर उसके बाद में दे रखा है जनवरी 2 को चेक द्वारा नगद माल खरीदा है 5,000। स्टूडेंट, मैंने चेक के बारे में आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां पर चेक आ जाए वहां पर हम कैश नहीं लिखते हैं, ठीक है, बैंक लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। 4 जनवरी सत्येंद्र से उधार माल खरीदा 3,000 रूपये का। 4 जनवरी को मोहन से माल खरीदा 2,000 रूपये, ठीक है। 6 जनवरी श्याम को नगद माल बेचा और बैंक में जमा किए 500 रूपये। 8 जनवरी देवेंद्र कुमार को माल बेचा 1,000 रूपये का। 8 जनवरी महेंद्र पाल को माल बेचा 1,200 रूपये। 12 जनवरी सत्येंद्र को चेक द्वारा भुगतान किया 2,000। 12 जनवरी को ही हमने क्या किया, देवेंद्र कुमार को नगद प्राप्त हुए 200 रूपये। 18 जनवरी बैंक में राशि जमा की, कितने रुपए की, 1,000 रूपये की। 22 जनवरी माल बेचा नगद 500 रूपये, चेक द्वारा 200 रूपये। 25 जनवरी चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा है 2,500 रूपये का। 26 जनवरी नगद माल बेचा, यानी कि सॉरी नगद माल खरीदा, यहाँ पर 1,500 रूपये दे रखा है। 28 जनवरी कमीशन मिला 50 रूपये। 29 जनवरी बैंक से निकाले 200 रूपये। 30 जनवरी दुकान किराया दिया 725। 31 जनवरी चेक द्वारा वेतन दिया 1,200 रूपये। और 31 जनवरी बिजली व्यय चुकाया 2,500 रूपये का। तो स्टूडेंट, ये था वो हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये हमारी जनरल एंट्री है, तो इस जनरल एंट्री को बनाते हुए चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं, इन जनरल एंट्री को सीखते हैं कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, ये वो हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 13 का, जिसमें डेट दे रखा है पार्टिकुलर, LF अमाउंट और अमाउंट, यानी कि अमाउंट जो दे रखी है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों की दे रखी है। स्टूडेंट, चलिए तो सबसे पहले दे रखा है सन 2010 में क्या बोला है, जनवरी 1। तो जनवरी 1 में स्टूडेंट हमारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 जनवरी सबसे पहले दे रखी है। 1 जनवरी में बोला है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, 1 जनवरी JANUARY, मैंने पहले पूरे में लिख दिया, आगे हम शॉर्ट में लिखेंगे जनवरी को। यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है नकदी से व्यापार प्रारंभ किया। आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चन को बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को। तो व्यापार प्रारंभ किया है, किसी किया है, नकदी से किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, विद कैश से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर हमने कैश लिख दिया, विद कैश, तो कितना लिखेंगे हम यहां पर, 20,000। सबसे मेन स्टूडेंट हमारी यहां पर जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री आप बिल्कुल सही बनाइए तो ज्यादा बेस्ट है। तो व्यापार प्रारंभ करने में हमेशा याद रखिएगा कैश की जरूरत होती है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, 1 जनवरी फिर से दे रखी है। तो 1 जनवरी को क्या बोला है स्टूडेंट, चालू खाते में जमा किए, तो ये हमारा करंट अकाउंट है स्टूडेंट, तो चालू खाते में हमने जमा करे हैं, तो करंट अकाउंट डेबिट, क्या जमा करे हैं हमने, कैश जमा करा है, तो कैश अकाउंट। स्टूडेंट इसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, ठीक है, कितना, 6,000। डेबिट में भी लिखेंगे स्टूडेंट और हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में भी लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारा 2 जनवरी दे रखा है, तो 2 जनवरी में हमारा क्या दे रखा है, चेक द्वारा नगद माल खरीदा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर चेक आ जाए तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, ना कि हम कैश लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। इसकी नरेशन भी बना देते हैं, बीइंग गुड सोल्ड विद
10, तो कितना है 5000 रुपीज। डेबिट में भी लिखा हमने, कहां पर लिखा और क्रेडिट में भी लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारा 4 जनवरी दे रखा है, 4 जनवरी में बोला है सत्येंद्र से उधार माल खरीदा है, तो स्टूडेंट सत्येंद्र से खरीदा है उधार माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू सत्येंद्र, तो सत्येंद्र हमारा स्टूडेंट यहां पर लिख दिया है हमने, यहां पर एन है ये, तो सत्येंद्र में हमारा स्टूडेंट कितना दे रखा है, यहां इसकी नरेशन भी हैंड टू हैंड बना लेते हैं, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम सत्येंद्र, कितना दे रखा है स्टूडेंट 3000, यानी कि 3000 हम किस में लिखेंगे, डेबिट में भी, और उसके बाद किस में लिखेंगे हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, 4 जनवरी में फिर से कुछ एक अमाउंट और बोली है, कि क्या बोला है उसमें 4 जनवरी में, मोहन से माल खरीदा। अब मोहन से माल खरीदा है, सिंपल सी बात है, मोहन से खरीदा है, क्या खरीदा है, माल खरीदा है, माल किसके पास आया, हमारे पास आया है, तो स्टूडेंट जो माल हमारे पास आया, जो हमें मिलता है, वो हमारा डेबिट हो जाता है, किससे मिला है हमें, मोहन से मिला है, मोहन हम यहाँ पर लिख देंगे, इसकी नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट, तो नरेशन क्या बनाएंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब मोहन की कितनी एंट्री, कितनी अमाउंट है, 2000 रूपये, हम डेबिट में भी लिखेंगे स्टूडेंट, और कहां पर लिखेंगे हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कि 6 जनवरी, अब 6 जनवरी है, शाम को नगद माल बेचा और बैंक में जमा किए, शाम को नगद माल बेचा है स्टूडेंट और बैंक में जमा किया है, सिंपल सी बात है, जब हमने बैंक में जमा करा है तो बैंक ही हम लिखेंगे, किसको मिल रहा है, बैंक वाले को मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट जब भी नगद आ जाए तो हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम शाम का नाम नहीं लिखेंगे, तो बीइंग गुड सोल्ड विद बैंक या फिर इन बैंक, ठीक है, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, तो कितना है स्टूडेंट 500 रूपये, तो हमने यहां पर 500 रूपये लिख दिए हैं। उसके बाद में स्टूडेंट 8 जनवरी में क्या बोला है, देवेंद्र कुमार को उधार माल बेचा है, तो सिंपल सी बात है, देवेंद्र कुमार को बेचा है, तो देवेंद्र कुमार डेबिट, जिसको मिलता है उसका नाम ऊपर आता है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट, इसकी नरेशन भी बना लेते हैं एंड टू एंड, बीइंग गुड सोल्ड टू देवेंद्र कुमार, इसकी जो अमाउंट है स्टूडेंट कितनी है 1000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हम यहां पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बनेगा स्टूडेंट, 8 जनवरी फिर से दे दी है, तो 8 जनवरी में हमारे क्या दे रखा है, महेंद्र पाल को माल बेचा है, अब महेंद्र पाल को बेचा है तो महेंद्र का नाम आ जाएगा यहां पर, महेंद्र पाल डेबिट टू बेचा है, तो बेचने को स्टूडेंट हम यहां पर सेल लिखेंगे, सेल अकाउंट, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसकी नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू महेंद्र पाल, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी अमाउंट कितनी दे रखी थी, 1200 रूपये, हम डेबिट में भी डाल देंगे स्टूडेंट और क्रेडिट में भी हम यहां पर डाल देंगे, सामने अमाउंट डालते हैं बिल्कुल जस्ट। उसके बाद में स्टूडेंट दे रखा है 12 जनवरी, 12 जनवरी में क्या पूछा है हमसे, यहां पर हम डेट डालेंगे, सत्येंद्र को चेक द्वारा भुगतान किया, अब सत्येंद्र को करा है, सिंपल सी बात है, हम यहां पर सत्येंद्र लिख देंगे, सत्येंद्र डेबिट किससे किया है, बैंक से किया है स्टूडेंट, नोट किससे किया, ना कि किससे किया है, हमारा कैश से किया है, तो एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर से बता रही हूँ, जहां पर हमारा चेक आ जाए वहां पर हमारा बैंक आता है, ना कि हमारा कैश आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसकी नरेशन और बना लेते हैं, बीइंग
बीइंग। इसके बाद में हम स्टूडेंट चेक, पेमेंट टू सत्येंद्र, कितने रुपए अमाउंट आएगा स्टूडेंट? 2000। तो 2000 हमारा डेबिट में आ जाएगा और 2000 हमारा किस में आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारा? 12 जनवरी दे रखा है दोबारा से। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 12 जनवरी लिखेंगे। 12 जनवरी में क्या दे रखा है? देवेंद्र कुमार को नगद प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, देवेंद्र कुमार से नगद प्राप्त हुआ ये दे रखा है। तो से यानी कि नगद प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है हमें? कैश प्राप्त हुआ है। तो कैश अकाउंट क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? डेबिट। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ है? देवेंद्र से। तो यहाँ पर देवेंद्र कुमार, ठीक है स्टूडेंट, देवेंद्र कुमार लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देवेंद्र कुमार। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अमाउंट कितनी दे रखी है हमारी? 200 रुपए दे रखी है। 200 रुपए हम डेबिट में लिखेंगे और 200 रुपए हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद में क्या दे रखा है स्टूडेंट? 18 जनवरी दे रखा है। 18 जनवरी में क्या बोला है? बैंक में राशि जमा की। अब बैंक में राशि जमा की है स्टूडेंट, तो किसमें किसको मिला है? बैंक को मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चीज जमा की है? राशि जमा की है। राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने रुपए जमा किया है? 1000 यानी कि 1000 रुपए हमारे यहाँ पर जमा करे हैं। 1000 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 22 जनवरी, 22 जनवरी में क्या बोला है? माल बेचा नगद और चेक द्वारा, वो भी। ठीक है, तो नगद पहले नगद का लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट दोनों का बोला है स्टूडेंट यहाँ पर, चेक का भी बोला है और बैंक का भी बोला है, तो हम दोनों लिखेंगे यहाँ पर। दोनों की अमाउंट दे रखी है। ठीक है, क्या करा है हमने? सोल्ड किया है, सेल किया है अकाउंट। इसकी नरेशन बना लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड विद कैश एंड बैंक। ठीक है, अब कैश की अमाउंट कितनी दे रखी है स्टूडेंट हमारी? 500 ओनली, 200 है। ठीक है, 500 और 200 दोनों को ऐड करके हम कितना लिख देंगे यहाँ पर? 700 रुपए यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 700 यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या बोला है? 25 जनवरी। ठीक है स्टूडेंट, चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा सिंपल सी बात है, इस बार कैश से नहीं खरीदा है। किससे खरीदा है? चेक से खरीदा है। तो हम चेक के लिए क्या वो लिखते हैं हम यहाँ पर? बैंक लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग ब्रॉट फर्नीचर बाय चेक। ठीक है स्टूडेंट, कितना है? 2500 रुपए। तो हम यहाँ पे 2500 रुपए लिख देंगे डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट टर्न में देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है। 26 जनवरी दे रखा है। 26 जनवरी में हमसे क्या पूछा है? 26 जनवरी में पूछा है नगद माल खरीदा है। तो 26 जनवरी हम यहाँ पर लिख देंगे, नगद माल खरीदा है। सिंपल सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन भी बना देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो कितने रुपए खरीदा है? 1500 रुपए। तो 1500 रुपए हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में भी हम 1500 रुपए लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 जनवरी, 28 जनवरी में क्या बोला है? कमीशन मिला है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, कमीशन मिला है। कमीशन में हमें क्या मिला है? कैश अकाउंट मिला है, यानी कैश मिला है। तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं, टू कमीशन कर देंगे स्टूडेंट, कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैश बीइंग कैश रिसीव बाय कमीशन। ठीक है स्टूडेंट,
तो कितने रुपए है? ओनली 50 रुपीज है। 50 हमने डेबिट में डाला और 50 हमने किस में डाल दिया? क्रेडिट में डाल दिया। नेक्स्ट में जो हमारा दे रखा है 29 जनवरी दे रखा है। 29 जनवरी में स्टूडेंट हमसे क्या पूछा गया है? 29 जनवरी में बैंक से निकाले हैं। बैंक से हम जब क्या निकालते हैं? कैश निकालते हैं। कैश किसको मिलता है? हमें मिलता है। तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बाद में यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट? कितनी अमाउंट दे रखी है? 200 रुपए डेबिट में और 200 रुपए हमारा किसमें डालेंगे? हम क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है? 30 जनवरी की अमाउंट दे रखी है स्टूडेंट। 30 जनवरी में क्या बोला है? 30 जनवरी दुकान किराया दिया। अब दुकान किराया दिया है यानी कि शॉप, दुकान को क्या बोलते हैं? शॉप। रेंट अकाउंट डेबिट किससे देते हैं? कैश से देते हैं, तो कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग कैश पेड, बीइंग पेड शॉप रेंट विद कैश, कितना? 725 रुपए हमारा डेबिट में और 725 रुपए हमारा क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, अब 31 जनवरी नेक्स्ट है हमारी एंट्री। 31 जनवरी की चेक द्वारा वेतन दिया है स्टूडेंट, चेक द्वारा वेतन दिया है। इस बार चेक की ज्यादा बात की जा रही है, तो चेक आपको समझना है कि जहां पर चेक आ जाए वहां पर हमें क्या लिखना होता है? वहां पर हमें बैंक लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके बाद इसकी हम नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग पेड सैलरी बाय चेक। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना दे रखा है? 1200 रुपए दे रखा है, तो 1200 रुपए हमने डेबिट में भी डाले और क्रेडिट में भी डाले। उसके बाद में है 31 जनवरी। 31 जनवरी में बिजली व्यय किया है, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैसे किया है? सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपेंस है हम किससे करते हैं? हम कैसे करते हैं, इसकी नरेशन भी हम हैंड टू हैंड बना लेते हैं। बीइंग पेड इलेक्ट्रिक एक्सपेंस विद कैश। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हमने लिख दिया है नरेशन भी। चलिए इसकी अमाउंट लिख देते हैं, कितने रुपए आएगा स्टूडेंट? 25 रुपए। 25 रुपए डेबिट में आएगा और 25 रुपए क्रेडिट में आएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हमने जनरल एंट्री अभी आपको बताई है। पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जनरल एंट्री हमने लिख दी है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल करना है, जो हम बताते हैं हर बार की ग्रैंड टोटल भी करना होता है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे लास्ट में ग्रैंड टोटल। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्रैंड टोटल करने के लिए हमें सारी अमाउंट को टोटल करना होगा, तब जा करके हमारा ये समझ में आएगा। स्टूडेंट ये वो हमारी अमाउंट है, तो सबसे पहली अमाउंट हमारी क्या दे रखी है? 20,000, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 500, 1,000, 1,200, 2,000, यानी कि यहाँ पे लास्ट में दे रखा है। उसके बाद में आगे 200, 1,000, 500, 200, 2,500, 1,500, 50, 200, 725 और फिर उसके बाद में क्या दे रखा है? 1,200, फिर दे रखा है 25। तो स्टूडेंट जब हम इसको सारे का टोटल करेंगे तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिख देंगे। ग्रैंड टोटल हमारा दोनों साइड आता है, तो स्टूडेंट इसका ग्रैंड टोटल है हमारा 48,800। ठीक है, और 48,800 ही हम किस में लिख देंगे? क्रेडिट में लिख देंगे। ये हमारा डेबिट का आंसर है और ये हमारा क्रेडिट का आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।